Welcome everyone on Biology Pradeep Kumar. In the previous lecture, we'll discuss the cell cycle and division. हम लोग ने वहाँ पे सारे stages वगैरह देखे, क्या क्या होते हैं cell cycle और division में. अब हम लोगों को देखना है structure of chromosome. Chromosome की अगर बात करें तो क्रोमोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन जब सेल डिवीजन होने लगता है, जो न्यूक्लियस में क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जब वो डिवीजन होने लगते हैं, जब कंडेंस होते हैं, तब क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है. ये हम लोग ने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में भी देखा था. अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. से पहले कुछ इसके डिस्कवरी और साइंटिस्ट की बात कर लें तो क्रोमोसोम को पहले ऑब्जर्व किया था हॉफमिस्टर एंड के नगेली ने. तो क्रोमोसोम वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय हॉफमिस्टर एंड के नगेली, बट द टर्म क्रोमोसोम वॉज गिवेन बाय अदर साइंटिस्ट कॉल्ड वेल्डेयर. वेल्डेयर ने टर्म क्रोमोसोम दिया था. क्रोमोसोम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर्ड बॉडी. क्लियर. क्रोमोसोम की नंबर में बात करें अगर तो 46 इन नंबर प्रेजेंट होते हैं, 23 इन पेयर्स ह्यूमन बीइंग्स में. तो ये ब्रीफ डिस्कशन था क्रोमोसोम के बारे में. अब इसी नंबर के बेस पर ये फर्दर डिवीजन हुए हैं दो टाइप्स में. एक है ऑटोसोम, दूसरा है सेक्स क्रोमोसोम. फर्स्ट 22 पेयर मतलब एक से लेकर 22 तक जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, और 23rd पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं. और इसमें 1 से 22 तक में, 1 से 22 तक में कोई भी सेक्स क्रोमोसोम के डीएनए फॉर्म नहीं होते हैं. एक्स मतलब 45 एंड 46 अगर देखें तो ये सेक्स क्रोमोसोम है जो डिटरमाइन करता है फीमेल को. एंड एक्स वाई इज डिटरमाइन टू मेल. एंड दिस इज द स्ट्रक्चर और द सिंबल ऑफ फीमेल एंड मेल. तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग इट इज ऑफ टू टाइप, ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम. तो सेक्स क्रोमोसोम में एक्स एक्स इज डिनोटेड बाय फीमेल एंड एक्स वाई इज मेल. नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम हम लोग ने पहले देखा था, लेकिन अब थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा. स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में एक सर्कुलर बॉडी दिखाई थी आपको यहां पर, और फिर आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया था. क्लियर. और इसको ये जो है आपका क्रोमैटिड्स है, और सेल डिवीजन के समय इसका नाम बताया था आपको जाइगोटिन के स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसको सिस्टर क्रोमैटिड्स भी कहते हैं. तो यहां पे सिंपल आपका हुआ क्रोमैटिड्स और क्रोमोसोम आर्म्स और क्रोमोसोमल आर्म्स. आर्म्स जो हमारे हाथ जैसे प्रेजेंट है वैसे इसके भी प्रेजेंट है. और ये जो कंस्ट्रिक्शन दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रोमियर. और ये एक ही है अगर तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन.
दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन स्ट्रक्चर और डेफिनेशन इसकी हमें लगता नहीं है कि पूछेगा, जो पूछता है वो है आपका सेट क्रोमोसोम। सेट क्रोमोसोम होता है, सेट मीन्स हेयर सैटेलाइट, सैटेलाइट क्रोमोसोम। सैटेलाइट क्रोमोसोम में क्या होता है कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन या दो सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो, जैसे एक यहां प्रेजेंट है, एक अगर यहां और प्रेजेंट हो जाए और इसके ऊपर कोई क्रोमेटिड्स अगर हो तो उसको बोलते हैं सेट क्रोमोसोम। अब यहां पे जो प्रेजेंट हुआ ये आपको स्ट्रक्चर, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है सैटेलाइट के तरीके, इसको बोलते हैं सेट क्रोमोसोम। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन इज प्रेजेंट एंड दिस इज कॉल्ड द सेट क्रोमोसोम। क्लियर? नाउ अब आपको बताएंगे हम कि सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेस पे क्रोमोसोम कितने तरीके के होते हैं। तो सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेस पे ये फोर टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर और द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इट इज ऑफ फोर टाइप्स, इट इज ऑफ फोर टाइप। पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, तो पोजीशन के बेस पे फोर टाइप्स के होते हैं। तो फोर टाइप्स के होते हैं, फोर टाइप्स के पहले नाम हम देख लेते हैं, इसको एक ट्रिक के थ्रू याद रखिए। टैस्म, टैस्म, टी फॉर टीलोसेंट्रिक, ए फॉर एक्रोसेंट्रिक, एस फॉर सब मेटा सेंट्रिक एंड एम फॉर मेटा सेंट्रिक। ये चार टाइप के क्रोमोसोम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर, मतलब इसकी पोजीशन कहां पर है उसके बेस पर ये चार टाइप के। टीलो मतलब टॉप पर या टिप पर प्रेजेंट होता है तो टीलो सेंट्रिक। अगर आप को स्ट्रक्चर दिखा दें तो ये आपका सेंट्रोमियर है और ये आपका क्रोमैटिड्स है। तो टॉप पे प्रेजेंट हुआ तो ये हो गया आपका टीलो सेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक, जब सेंट्रोमियर टॉप से थोड़ा नीचे आ जाए तो उसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक, मतलब टॉप से थोड़ा नीचे हो जाए, मतलब ये हो गया आपका सेंट्रोमियर और थोड़ा ही नीचे हुआ है तो इसको हमने बोला एक्रोसेंट्रिक। क्लियर? सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर जो है कि सेंटर से ऊपर और एक्रोसेंट्रिक के पोजीशन से थोड़ा नीचे हो तो उसको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। तो सब मेटासेंट्रिक में आपका सेंट्रोमियर ये और इसकी सेंट ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और ये आपका वैसे का वैसे ही हुआ। तो कुछ डिफरेंस आपको यहां पे दिख रहा होगा, ये हो गया सब मेटा सेंट्रिक। मेटा सेंट्रिक में क्या है, सेंट्रोमियर एकदम बीच में प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं सब मेटा सेंट्रिक। जब सेंट्रोमियर एकदम बीच में हो और उसमें क्रोमैटिड्स जो हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसको बोलते हैं इक्वली, दिख रहा होगा आपको
और क्लियर कर दूं, ये तो इक्वली प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं मेटा सेंट्रिक। तो सेंट्रोमियर के बेस पे चार टाइप के हैं। अब साइंटिस्ट ने इसको अल्फाबेटिकली ऑब्जॉर्व भी किया, अल्फाबेटिकली ऑब्जॉर्व किया, तो सीक्वेंस में ही अगर लेके चलें, तो ये कुछ आपको आई जैसा दिख रहा होगा, ये जे के टाइप का, ये एल शेप का और ये वी शेप का। आई तो एकदम क्लियर हो रहा है, जे मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक ऐसा बना के स्मॉल जे बनाते हैं, तो एक डॉट लगाते हैं, तो उस टाइप का जे। एल में दो एंगल होता है, एक स्मॉल एक लार्ज, तो एक छोटा एक बड़ा। वी में दोनों बराबर होते हैं, तो ये वी शेप, ये आपका जे शेप, ये आपका आई शेप। तो इस पे भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसको देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अब बात करेंगे डीएनए की, क्योंकि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं। तो क्रोमोसोम का अगर एक स्ट्रक्चर देखें, तो क्रोमेटिड्स आपका यहां प्रेजेंट है। अब इस क्रोमेटिड्स को एक लेयर्स में देखें, ये मान लीजिए क्रोमेटिड्स है, तो ये जो आपका मान लीजिए डीएनए है, ये डीएनए है, इस डीएनए में कुछ प्रेजेंट होंगे और यहां पे जो प्रेजेंट है वो है जीन। तो डीएनए की जो यूनिट होती है उसको जीन कहते हैं, और जीन इज द हेरिडिटरी यूनिट विच ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो हम अब डीएनए देखेंगे। डीएनए, डीएनए को पहले अब्सॉर्ब किया था रोजा लैंड फ्रैंकलिन ने, रोजालैंड फ्रैंकलिन ने, लेकिन 3D मॉडल और कहें डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, वॉटसन एंड क्रिक ने, और इस मॉडल के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। क्लियर। अब डीएनए को, डीएनए इज अ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड को हम पॉली भी न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड को पॉली न्यूक्लियोटाइड इसलिए कहते हैं कि उसमें और भी कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो गए, वो स्ट्रक्चर आपका है बीएसपी। ये ट्रिक है जानने के लिए, बीएसपी एक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जिसके हेड है मायावती जी। तो यहां पे बी इज योर नाइट्रोजनस बेस, एस फॉर सुगर, पी फॉर फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस जो है कि चार प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दो पार्ट में पहले डिवाइड होते हैं, एक है आपका प्यूरीन, दूसरा है पिरिमिडीन। प्यूरीन और पिरिमिडीन फर्दर डिवाइड होते हैं आपके एडिनाइन, गुआनाइन, और पिरिमिडीन आपका थायमीन और साइटोसिन में। तो ये चार नाइट्रोजनस बेस होते हैं। सुगर की बात करें आपको राइबोस और ऑक्सी राइबोस सुगर प्रेजेंट होते हैं। अब जो सुगर और फॉस्फेट होते हैं, ये डीएनए के बैकबोन होते हैं। ये डीएनए के क्या होते हैं? डीएनए बैकबोन, ये डीएनए के बैकबोन होते हैं। और डीएनए के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो है नाइट्रोजनस बेस। क्लियर। और ये जो है कि बॉन्ड से अटैच होते हैं, जिस बॉन्ड से अटैच होते हैं
उस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर। और हाइड्रोजन बॉन्ड भी अगर ए और टी अटैच हैं तो ये डबल बॉन्ड से अटैच हैं, और जी एंड सी अगर अटैच हैं तो ये जो बॉन्ड से अटैच हैं ये ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होते हैं। तो ये हो गया आपका डीएनए का थोड़ा डबल हेलिक्स मॉडल देख लेते हैं जो वॉटसन क्रिक ने दिया था। डबल हेलिक्स मॉडल अगर देखें तो ये स्ट्रक्चर आपने ऐसे देखा होगा, और ये आपको अगर दूसरे कलर से दिखाएं तो थोड़ा शायद क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जो बैकबोन होते हैं वो बाहर के साइड में होते हैं। तो बैकबोन की बात करें तो यहां पे क्या था, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, और अंदर जो होते हैं वो नाइट्रोजनस बेस होते हैं। नाइट्रोजनस बेस अटैच होते हैं, आपको बताया डबल बॉन्ड टी से, और अगर सी अटैच है तो ट्रिपल बॉन्ड जी से अटैच है, फिर ए अटैच है टी से, फिर सी अटैच है आपका ट्रिपल बॉन्ड जी से। तो इस तरीके से ये सीक्वेंसिंग होती है, और यही होते हैं आपके जीन्स जो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स बॉडी से ऑफस्प्रिंग में। तो कैरेक्टर जो आते हैं पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में यही जीन्स से आते हैं। तो ये सिंपल आपका चैप्टर 2 आज खत्म होता है, और लेक्चर देखिए, कोई दिक्कत होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे जो है आपका जेनेटिक्स। थैंक यू।